हेल्दी मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट आर एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, इन विच वी हैव स्टडीड कि जनरली वी डू एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स ह्यूमन परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, दिस इक्वेशन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो वी हैव डिस्कस. वी नो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इट इज परफॉर्म बाय और इट इज परफॉर्म इन प्लांट मीडियम एज वेल एज इन एनिमल मीडियम. नाउ टूडे we will study respiration in human, but before going to that topic let us take a study one activity. It is compare breathing rate of fish and human. See, you might have studied or observed fish in the aquarium. Continuously fish open and closes its mouth. So in this activity we'll understand why it is so. While we also respire, but we do not open or close our mouth. Let us study this activity. Observe fish in aquarium. They open and close their mouth, and the gill slit behind their eye also open and close. Gill slit, that means at the neck of the fish one part is there, it continuously go up and down, that is called gill slit. Are the timing of opening and closing of the mouth and gill slit coordinated in same manner? Observation, yes. यानी जितनी बार वो माउथ ओपन करेगी उतना ही गिल स्लिट नीचे की तरफ जाएगा, फिर क्लोज करेगी ऊपर की तरफ जाएगा. काउंट द नंबर ऑफ टाइम द फिश ओपन्स एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन अ मिनट. फिश ओपन एंड क्लोजेज इट्स माउथ अबाउट 66 टू 78 टाइम्स इन वन मिनट. दैट मीन्स इन वन मिनट 66 टू 78 टाइम इट टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. यू माइट बी थिंकिंग के फिश स्टे इनसाइड द वॉटर, बट लेट मी टेल यू कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर वॉटर सॉल्यूबल गैसेस, सो दे आर प्रेजेंट इन द वॉटर. सो वॉट एवर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वॉटर इट ब्रेथ इन बाय फिश एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. यू माइट बी थिंकिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द वॉटर, वॉट इज यूज ऑफ दैट गैस, बट दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूटिलाइज बाय द प्लांट्स. During which process? Photosynthesis. Let us move further in this activity. Compare this to the number of time breath in and out in a 1 minute. Observation. Human breath 12 to 16 times in 1 minute. That means through our nose 12 to 16 times air enters and 12 to 16 times it goes out from our nose. The amount of dissolved oxygen, you might be thinking ki fish open its mouth 66 to 78 time to take in oxygen, while we open only 12 to 16 time. So it means that we are taking less oxygen, fish is taking more oxygen. No, let us study why it is so. The amount of dissolved oxygen is fairly low in water as compared to the amount of oxygen in the air. The rate of breathing in aquatic animal like fish is much faster than that seen in the terrestrial animal. So this is the reason why we breathe only 12 to 16 times in 1 minute. क्योंकि जिस air से हम oxygen ले रहे हैं उस air में बहुत oxygen है. इसे जब हम सिंगल टाइम भी ब्रेथ करते हैं तो बहुत सारा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ जाता है.
इसलिए हमें ज़्यादा टाइम ब्रेथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि वाटर में ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए फिश को ज़्यादा टाइम माउथ ओपन और क्लोज करना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए। सेम सारे एक्वेटिक एनिमल के लिए एप्लीकेबल है। सारे एक्वेटिक एनिमल का ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होता है हमसे, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व है। जबकि सारे टेरिस्ट्रियल एनिमल, जिसमें ह्यूमन आ गए, काउ, बफेलो, गोट, सारे आ गए, सबका ब्रीथिंग रेट इसलिए कम है क्योंकि वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारा ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आफ्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज एक्सप्लेन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, और इट इज आस्क इन दिस वे ऑल्सो कि राइट फोर ऑर्गन्स ऑफ HRS, HRS स्टैंड फॉर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड पाथवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यू माइट बी थिंकिंग इन एवरी क्वेश्चन इन द ब्रैकेट G3, G4, G1, G2, QB, M1, M11 इट इज रिटर्न। लेट मी एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ दिस। जहाँ G3 लिखा है मतलब गाला पेपर 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, QB लिखा है उसका मतलब गवर्नमेंट से जो क्वेश्चन बैंक दी जाती है उसमें भी ये क्वेश्चन है, M1 लिखा है उसका मतलब जो मार्वल पेपर सेट है उसके पेपर 1 नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, M11 लिखा हुआ है मतलब मार्वल पेपर 11 में। M मार्वल बताता है जो एक पेपर सेट है, जी गाला बताता है वो भी पेपर सेट है। ये मैंने इसलिए लिखा है तो आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट अस स्टडी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेट अस सी दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल, नसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरोफेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी। ये प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना, साइंस में हम CH को च नहीं पढ़ते, हम क पढ़ते हैं। जैसे नाइन्थ में याद करो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, वैसे इसको ब्रोंकी पढ़ा जाएगा, ब्रोंची नहीं पढ़ा जाएगा। लंग्स एंड डायाफ्राम। देखो कोई भी सिस्टम समझने के लिए उसके ऑर्गन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से हम देखते हैं ये सारे ऑर्गन कहाँ पर है। सी देखो, एयर अंदर जा रही है हमारे लंग्स में और बाहर जा रही है। अब सारे ऑर्गन को हम समझते हैं। सी दिस इज नॉस्ट्रिल। ये हमारे नॉस में जो दो होल्स हैं जो बाहर की तरफ ओपन है, दैट आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल। अब अंदर की तरफ ये जो पूरा पैसेज है, दैट इज कॉल्ड नसल पैसेज। अब वहाँ से एंटर, पीछे की ओर एंटर होती है एयर, इतने पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स बहुत छोटा सा पार्ट होता है। फेरिंग्स ये यहाँ से माउथ से हमारे नेक तक जाता है, नेक भी नहीं, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। फिर वहाँ से ये सी शेप, ये ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, ट्रैकिया। और ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स। फिर ये ट्रैकिया एंटर होती है, देखो ये ब्रोंकी है जो मैंने बात की थी, दो ब्रोंकी होता है। ये ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं, वो टू पार्ट में डिवाइड होती है, दोनों पार्ट को ब्रोंकी कहते हैं। एक पार्ट लेफ्ट लंग्स में जाता है और एक राइट लंग में जाता है। ओके, फिर अंदर जो ब्रोंकी है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और ब्रोंकियोल्स वापस डिवाइड होके बनाता है एल्वियोलाई। फिर से मैं आपको सारे पार्ट एक्सप्लेन कर दूँ जो आपको साथ में बोलने भी है। पहले मुझे बताओ कि नोज़ का जो ओपनिंग है उसको क्या बोला जाएगा, नॉस्ट्रिल। क्या बोला जाएगा, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद का ये जो पार्ट है, दैट इज नसल कैविटी और नसल पैसेज। वहाँ से ये जो पीछे वाला पार्ट है जिसको हम कहेंगे फेरिंग्स। क्या फेरिंग्स, ये नोज से लेके यहाँ तक ही होता है। फिर यहाँ से जो सी शेप चालू होता है वो होता है ट्रैकिया, यानी जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया आगे डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंकी। किसमें, ब्रोंकी। एक ब्रोंकी जाता है लेफ्ट साइड और एक ब्रोंकी जाता है राइट साइड। अब ब्रोंकी डिवाइड होता है ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल डिवाइड होता है एल्वियोलाई। अब आप सबको मेरे साथ में बोलना है, नॉस्ट्रिल, नसल कैविटी, फेरिंग, फिर ये क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकी, ब्रोंकी डिवाइड हुआ ब्रोंकियोल,
और ब्रोंकियल डिवाइड हुआ एल्वियोलाई। पहले 10 टाइप आप ये सारे ऑर्गन बोल दो, पूरे बाय हार्ट कर दो, तभी आप आगे उसको समझ पाओगे। वंस अगेन, नॉस्ट्रिल, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स हम बाद में देखेंगे, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। ओके, अब ये सारे ऑर्गन का फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। एज आई एक्सप्लेन, नॉस्ट्रिल दैट मीन्स द पैसेज और द आउटर टू होल फ्रॉम विच नोज गेट्स ओपन, दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। यानी वो पार्ट जहाँ से एयर अंदर जाती है और बाहर आती है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल प्रेजेंट इन नोज। द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज कम्स इन टू बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल ओपन इन टू नसल पैसेज, दिस इज नसल पैसेज। लेट अस अंडरस्टैंड फंक्शन। सी, दिस इज द पार्ट थ्रू विच एयर एंटर्स एंड गोज आउट, सो दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल, इट इज कॉल्ड नसल पैसेज। नेज दैट मीन नॉस्ट्रिल, इट इज नसल कैविटी और नसल पैसेज इन विच दिज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट। सी, इन नसल कैविटी नसल पैसेज, दिस इज अ नसल पैसेज। सी, ये जो पार्ट है नोज का, दिस इज कॉल्ड नसल पैसेज। इट इज लाइन विद सीलिया, दैट इज वॉट एवर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अवर नोज, दैट इज कॉल्ड सीलिया। You might be thinking कि what is function of these hair present in the nose? See, whatever hair present in our nose, it capture bacteria and microbes that enter into our nose, and even it trap dust particle also. यानी air के through अगर कोई भी bacteria या dust particle enter होते तो hair उसको पकड़ लेता है। और मालूम है ना, जब हम free होते तो वो सब बम फेंकते बना बना के, है कि नहीं? तो हम और कुछ नहीं करते हैं, वो माइक्रोब्स और डस्ट पार्टिकल हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, जिससे हमारा नोज क्लीन हो जाता है। सो दैट हेयर विच ट्रैप दिस डस्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड सीलिया, दैट मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर। म्यूकोस मेम्ब्रेन्स, म्यूकोस, सो म्यूकोस मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन अवर नोज, इट वेट अवर नोज, यानी हमारे नोज को गीला रखता है। हमें बता दें म्यूकोस भी क्या होता है। जैसे हमें कफ होता है तो हमारे नोज के थ्रू जो बाहर आता है लिक्विड, दैट इज कॉल्ड म्यूकोस। अब आप सोचोगे उसकी क्या ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, वो क्या करता है, हमारे नोज़ को वेट रखता है, तो उसका काम भी वही होता है। बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल है उसमें फंस जाते हैं और वहाँ से नोज़ में आगे जा पाते नहीं है। इसलिए मालूम है अभी जो कोरोना वायरस फैल रहा है तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, आपको अपने नोज़ के लाइनिंग में ऑयल लगाना चाहिए, यानी तेल। ये लगाने से क्या होता है, जितने पैथोजेंस हैं नोज़ के थ्रू जाना चाहते तो तेल में फंस जाते हैं, ऑयली चीज़ में से वो बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। वो तो हम बाहर से लगाते हैं, लेकिन नेचुरली हमारे अंदर ऑलरेडी ऑयल प्रेजेंट है और दैट सब्सटेंस सेक्रेटेड थ्रू म्यूकोस मेम्ब्रेन एंड इन अवर नोज ब्लड कैपिलरीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, ब्लड कैपिलरीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो लेट अस रीड फ्रॉम हियर, नसल पैसेज, इट हैज फाइन हेयर एंड म्यूकोस। Hair and mucus filter the air and trap microbes from the air. Okay, let us move further. Whatever thing I had explained that is written over here, it filter by the cilia, matlab hair, moisten by mucous membranes and warm by blood. Now pharynx, see this is a pharynx. ठीक है, देखो ये nasal cavity, फिर यहाँ नसल कैविटी, यहाँ एंड होते हैं और वहाँ से ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज फेरिंग्स, ठीक है। अब आप अपने माउथ में, मान लो आपने कार्टून में देखा होता है, कार्टून जब चिल्लाता है तो माउथ के ये पार्ट में दो होल दिखते हैं, है कि नहीं, और बीच में घंटी जैसा झुलता हुआ दिखता है। ये दो होल और कुछ नहीं, एक होल फेरिंग्स का है जो माउथ के थ्रू ओपन होता है, दूसरा होल ईसोफेगस,
यानी फूड पाइप उसका है, इसलिए हम माउथ के थ्रू भी ब्रेथ कर सकते हैं। क्योंकि माउथ के थ्रू ब्रेथ करोगे तो भी फेरिंग्स में एयर जाएगी, नोज के थ्रू ब्रेथ करोगे तो भी फेरिंग्स में एयर जाएगी। अब आप सोचोगे तो फिर माउथ से ब्रेथ करने में क्या प्रॉब्लम है? नोज नसल कैविटी में तीन चीज़ें प्रेजेंट है जो माउथ में नहीं है। कौन सा? पहला तो म्यूकोस मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, और दूसरा सीलिया जो भी माउथ में नहीं है जो बैक्टीरिया को पकड़ लेता है। अगर हम माउथ के थ्रू एयर ली तो पूरे वायरस बैक्टीरिया पूरे आपके फेरिंग्स में एंटर हो जाएंगे, अगर आपने नोज के थ्रू लिया तो वो चांसेस कम रहते हैं। सो एयर फ्रॉम द नसल कैविटी एंटर्स इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स का कुछ काम नहीं है, फेरिंग्स एक ही काम करता है, एयर को आगे ट्रैक किया यानी विंड पाइप में पहुंचाता है। देखो ये एयर आ रही है यहां से ट्रैकिया में, फिर आगे के बाकी सारी चीजें मैं समझाता हूं। अब देखो मैं आपको पूरी चीज समझाता हूं। ये जो पार्ट है आप कंफ्यूज होते होंगे कि अगर आपने बताया, देखो ये माउथ है, माउथ के अंदर दो होल होते हैं, ये दो होल दिख रहे हैं, ये वाले एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट ये पूरा फेरिंग्स है, फिर फेरिंग्स से ये जो पार्ट है ये विंड पाइप है और ये फूड पाइप है, फूड पाइप ये विंड पाइप। अब सोचोगे जब हम खाना खाते हैं ये फूड है, देखो ये माउथ के थ्रू फूड एंटर हुआ, तो ये विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, सीधा फूड पाइप में क्यों जाता है? इसका रीजन एपिग्लोटिस है। देखो आप ये देखोगे यहाँ पर तुरंत आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, ये बाहर वाला जो पार्ट है वो फूड पाइप है और अंदर वाला जो है विंड पाइप। अब मैं आपको यहाँ समझाऊँ, देखो ये जो बाहर ये दिख रहा है ठीक है, ये फूड पाइप है और ये जो वाला पाइप है विंड पाइप है, दोनों का माउथ यहाँ ओपन होता है। देखो अब ये फूड एंटर होता है तो क्या होता है, देखो देखा आपने, ये एपिग्लोटिस है, ये विंड पाइप को ढक देता है, यानी जब भी हम खाना खाते हैं इसलिए फूड हमारा विंड पाइप में एंटर नहीं होता, वो डायरेक्ट कहाँ एंटर होता है, फूड पाइप में। यही रीजन है, बाकी माउथ में दोनों होल ओपन ही होते हैं। और एक इसकी वजह से ये जो है ये कौन सी चीज है, एपिग्लोटिस। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, देखो ये एपिग्लोटिस, ये बंद हो गया विंड पाइप, ये फूड पाइप में एंटर हो गया, तो ये फंक्शन है। तो मतलब आपको बता दो, अगर कोई पूछे कि नेक में विंड पाइप और फूड पाइप की पोजीशन क्या, तो बताने का पहले आता है विंड पाइप और उसके पीछे आता है फूड पाइप। इसे आपको मालूम है गले के ये जो पार्ट है जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, ये पार्ट अगर कोई दबाता है तो बंदा मर जाता है, क्योंकि हमारे गले के आगे के पार्ट में ये जो विंड पाइप है उसको दबाने से एयर का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है और हम मर जाते हैं। तो सबसे आगे नेक में होता है विंड पाइप और पीछे होता है फूड पाइप। अब और चीज़ के बारे में समझते हैं, लैरिंग्स। ये है लैरिंग्स यानी हमारा वॉइस बॉक्स, और ये वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड ठीक है। लैरिंग्स के थ्रू वोकल कॉर्ड में एयर एंटर होती है और हम बोल पाते हैं। देखो तो एयर पहले नोस्ट्रिल के थ्रू नसल कैविटी में एंटर हुई, फिर फेरिंग्स, फिर अभी आया ट्रैकिया। देखो ये ट्रैकिया है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये सारे सी शेप कार्टिलेजियस रिंग है। अब मैं आपको कार्टिलेज के बारे में समझा दूं, हमारे पूरे बॉडी में कार्टिलेज वो पार्ट है जो फ्लेक्सिबल है, जो बोन जैसा होने के बावजूद उसको हम मूव कर सकते हैं। जैसे हमारे जो ईयर है, ईयर के अंदर का छोटा सा बोन वो कार्टिलेज है, हमारे रिब केज में बहुत सारे कार्टिलेज जिसकी वजह से हमारे लंग्स एक्सपांड भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं ठीक है। तो ये पूरी ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेज की बनी हुई है, और ये सी शेप कार्टिलेज उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट। देखो यहाँ से फेरिंग सिंपल ओपन होता है ट्रैकिया में, वहाँ पर कोई जॉइंट नहीं होता है, फिर भी ट्रैकिया क्यों गिर नहीं जाती है लंग्स में? क्योंकि ये कार्टिलेज उसको क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट। नाउ लेट अस रीड द पार्ट ऑफ थ्रॉट। थ्रॉट में क्या क्या होता है?
सी फ्रॉम द नसल पैसेज एयर एंटर इन टू थ्रॉट, यहाँ पर उन्होंने ट्रैकिया के बारे में आपके ट्रैक सूट में नहीं लिखा हुआ है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, उन्होंने सिर्फ थ्रॉट लिखा हुआ है। नसल पैसेज का मतलब क्या हुआ? फेयरिंग्स। नसल पैसेज का मतलब फेयरिंग्स हुआ। तो नसल पैसेज के थ्रू एंटर होती है एयर थ्रॉट में, ठीक है, यही ट्रैक किया। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रॉट ड्यू टू विच एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स इनटू लंग्स। ओके सॉरी, एयर पैसेज का मतलब ट्रैक किया। सो दिस इज ओनली अबाउट द थ्रॉट, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। नसल पैसेज से एयर एंटर होती है किसके अंदर? थ्रॉट के अंदर। नसल, अब जो थ्रॉट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सी शेप कार्टिलेजियस रिंग, ये रही, जो उसको गिरने देता नहीं है। बस थ्रॉट में आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। लेट अस डिस्कस अबाउट द लंग्स। देखो ये जो है नसल पैसेज, ये क्या है? नसल पैसेज ब्रोंकी के थ्रू लंग्स में एंटर होती है। लंग्स में देखो ब्रोंकी डिवाइड दिख रही है आपको वेन्स, ये ब्रोंक्यूल्स है। क्या है? ब्रोंक्यूल्स, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होता है और छोटे छोटे सेक में जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये ब्रोंकी है, देखो ये ब्रोंकी है जो लंग्स में एंटर होती है। ब्रोंकी ये डिवाइड होते हैं, ये जो दिख रहा है आपको ब्रोंक्यूल्स, ये तीनों पार्ट को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होता है छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको एल्वियोलाई सैक कहते हैं। फिर से याद रखो ब्रोंकी, ये ब्रोंकी, ये ब्रोंक्यूल्स और ये एल्वियोलाई। अब ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आ चुका है, अब देखिए एल्वियोलाई में क्या होता है। एल्वियोलाई सैक में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, दिख रही है आपको। ये रेड ब्लड कैपिलरीज जो है वो ऑक्सीजन लेती है, और ये ब्लू वाली कार्बन डाइऑक्साइड वाली है, ब्लू वाली कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को दे देती है और रेड वाली एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन ले लेती है। देखो अब एल्वियोलाई सैक में क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो ये एक बलून लाइक से एल्वियोलाई बताया हुआ है जिसके देखो यहां से ऑक्सीजन आएगा। देखिए ये रेड कलर का ऑक्सीजन आ रहा है, अब ये ब्लू कलर कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो एल्वियोलाई में ये चीज होती है, एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ब्लड में एंटर होता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। सो दैट्स इट अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेट अस रीड फ्रॉम ओवर हियर। विथ इन द लंग द एयर पैसे डिवाइड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इंटू बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। ये लंग से स्मॉलर ट्यूब पहली कौन सी बनी? ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल और उसके बाद है बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, यानी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन वो रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वेयर द ऑक्सीजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ओके सो दिस इज होल अवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर से एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं अपने। देखो नॉस्ट्रिल, ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्टार्ट फ्रॉम द नॉस्ट्रिल प्रेजेंट इन द नोर नोस। यहाँ फिर भी हम देखते जाते हैं। देखो नॉस्ट्रिल नसल कैविटी विच हैव हेयर एंड म्यूकोस मेम्ब्रेन विच फिल्टर एयर एंड ट्रैप द बैक्टीरिया। देन एयर एंटर इनटू नसल पैसेज, नसल पैसेज थ्रू नसल पैसेज एयर एंटर इनटू थ्रॉट, थ्रॉट इट डिवाइड इनटू ब्रोंकी, ब्रोंकी डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल एंड ब्रोंक्यूल डिवाइड इनटू एल्वियोलाई सैक। थ्रॉट के बारे में पढ़ ले, तो थ्रॉट फ्रॉम नसल पैसेज एयर एंटर इनटू थ्रॉट, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रॉट ड्यू टू विच एयर डज नॉट, एयर पैसेज यानी ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इनटू लंग्स। लंग्स में बताया है, लंग्स में ये क्या है? छोटी छोटी ट्यूब निकलती है और लास्ट में बलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है? द वैल्यू वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन ब्लड वेसल वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस।
थैंक यू। और हाँ, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन समझाए वो मैं सारे क्वेश्चन एक साथ में इमेज भेजूंगा, कोई क्वेश्चन आपका लिखना रह गया है तो वहाँ से आप कॉपी कर देना। ओके, थैंक यू।